वज़ीरे सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का अचानक चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा किया गया है। एमरजेंसी कार्डियक और ओपीडी का तफसीली जायजा भी लिया गया है। आपको बताया जा रहा है सूबाई वज़ीरे सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का अचानक चिल्ड्रन हस्पताल का ये दौरा किया गया है। एमरजेंसी कार्डियक और ओपीडी यूनिट का तफसीली जायजा लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह का जिले से ख्वाजा सलमान रफीक की जानी से चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी कार्डिक ओपीडी ऑपरेशन थिएटर और दिग्गर मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करके सफाई सुथाई और दिग्गर तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया गया। चौके पर प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जुनेद रशीद और एम डी चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर टिपू सुल्तान ने सुबह वजह से ख्वाजा सलमान रफीक को इस हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सुबह वजह से ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करके सफाई सुथाई और तिबी सहूलियात का जायजा लिया गया है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराम की फरामी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह है और पंजाब के सरकारी चिल्ड्रन अस्पताल की इस्तेदादकार भी बैठाई जा रही है ताकि जो बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल में है उसको तमाम तरह जो बेहतरीन तिबी सहूलियात है मुयसर आ सके। जी बिलाल, ये भी बताइएगा कि दौरे के बाद क्या तसल्ली बख्श रिमार्क्स दिए गए हैं वजीर की जानिब से? जी बिल्कुल, सफाई वजीर सेहत ने जो दौरा किया है इसका मकसद यह था कि जो रिकैंपिंग के हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं उनका भी जायजा लेना था। फिर उसके बाद जो दिगर मुख्तलिफ वार्ड का दौरा किया, इस हवाले से सफाई वजीर सेहत की जानिब से कहा जा रहा था कि सफाई सफाई और दिगर जो मामला को मजीद बेहतर करने की जरूरत है और एक अस्पताल कोविड में रोजाना तकरीबन 5,000 के करीब जो पेशेंट आता है उनको कैटर किया जाता है। तो इस हवाले से सफाई वजीर सेहत का कहना था कि जो भी सरकारी अस्पताल में जो मरीज है उसको बेहतरीन तो भी सहूलियात हर सूरत मुमकिन आनी चाहिए और जो शिकायत मरीजों की जानिब से होती है उसको भी अव्वलीन तरजीहात पर हल किया जाए ताकि जो मरीज हैं उनका जो एतबार है ये सरकारी अस्पतालों में भरे और उनको बेहतरीन जो तिबी सहूलियात है वो मिल सके। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल।